अब आम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईटीएलएस एकेडमी। आप सभी लोगों का आईटीएलएस एकेडमी में स्वागत है। आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉफ्ट बैंडेज के बारे में कि सॉफ्ट बैंडेज क्या होते हैं और सॉफ्ट बैंडेज कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ओवरव्यू। अपनी इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि अपने इस वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा व्हाट इज सॉफ्ट बैंडेज, कि सॉफ्ट बैंडेज क्या होते हैं। नेक्स्ट होगा मटेरियल यूज्ड, कि हम जब सॉफ्ट बैंडेज बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से मटेरियल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट होगा द टाइप्स ऑफ सॉफ्ट बैंडेज, कि सॉफ्ट बैंडेज कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट हमारा बैंडेज विद अ स्पेशल शेप, कि कुछ बैंडेज होते हैं जिनकी स्पेशल शेप होती है, वो कौन से बैंडेज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ बैंडेज, कि हम अपने इस बैंडेज को कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जिसने हम आज अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज सॉफ्ट बैंडेज, कि सॉफ्ट बैंडेज क्या होता है। अ पीस ऑफ सॉफ्ट यूजली एब्सॉर्बेंट गाउज और अदर मटेरियल अप्लाइड ऑन अ लिफ्ट और अदर पार्ट ऑफ बॉडी एज अ ड्रेसिंग। सॉफ्ट बैंडेज मोस्टली एक एब्सॉर्बेंट होता है, ये जो बना होता है सॉफ्ट मटेरियल से बना होता है। इसका हम यूज करते हैं अपने बॉडी के पार्ट को इंजरी के दौरान कवर करने के लिए, या फिर ड्रेसिंग करने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके कि जब भी हमारी हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट पे इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी को कवर करने के लिए जिस बैंडेज का हम यूज करते हैं वो हमारा कहलाता है सॉफ्ट बैंडेज। और ये याद रखते हैं कि जब हम अगर हम अपने इस बॉडी के इंजर्ड पार्ट को कवर करने के लिए अगर हम कॉटन के किसी भी बैंडेज का यूज कर रहे हैं, या फिर कॉटन से ही रिलेटेड कुछ अदर भी मटेरियल्स होते हैं जो लेकिन सॉफ्ट हो, बहुत हार्ड ना हो, सॉफ्ट एकदम हो, उन बैंडेजेस को हम करते उन सारे बैंडेज को हम कहते हैं सॉफ्ट बैंडेज। यहाँ पे जो आपको रिप्रेजेंट भी किया गया इस फिगर में, देखिए ये है एग्जांपल है हमारे, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे जो भी हमारा इंजर्ड पार्ट होता है उसे एक पट्टी की हेल्प से कवर करता है, तो वो जो पट्टी की हेल्प से कवर करता है जो भी पट्टी होती है वो हमारी कहलाती है सॉफ्ट बैंडेज। नेक्स्ट है मटेरियल यूज्ड, कि जब भी हम सॉफ्ट बैंडेज को बना रहे होते हैं तो किस किस मटेरियल का यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमनली ड्रेसिंग इज मेड ऑफ कंबाइंड वुल एंड सेल्यूलोज कवर्ड इन लाइन कॉटन वोवन फैब्रिक एंड दीज आर जनरली नोन एज द कंबाइंड ड्रेसिंग। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्यूलोज हुआ या फिर हमारा वुल हुआ, उन सबको एक वुल या सेलुलोज को हम क्या करते हैं, जो कॉटन या कॉटन की वुमेन फैब्रिक होते हैं उसे कवर कर देते हैं। मतलब कि वुल और सेलुलोज को हम मिक्स कर देते हैं, या फिर एक लाइट कॉटन के फैब्रिक से हम उसे कवर कर देते हैं। और इन दोनों को जब हम कवर करते हैं तो हमारा जो कॉम्बिनेशन कहलाता है वो हमारा कहलाता है कॉम्बाइंड ड्रेसिंग। और इस ड्रेसिंग मटेरियल का हम यूज करते हैं जब भी हमारे किसी भी इंजर्ड पार्ट को हमें कवर करना हो या ड्रेसिंग करनी हो तो हम इस मटेरियल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द बैकिंग ऑफ द बैग इज ऑफन मेड ऑफ कोटेड पेपर व्हाट मे बी मेड ऑफ प्लास्टिक दे आर द एडहेसिव सीट इज यूजली अ वुमेन फैब्रिक प्लास्टिक पीवीसी पॉलीएथिलीन पॉलीयुरेथेन और लेटेक्स स्ट्रिप इट मे और मे Not be waterproof. It is a airtight and bandage is occlusive dressing. मतलब ये क्या करते हैं, हम कभी कभार जो हमारे कोटेड पेपर होते हैं उनका भी यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक होती है, जो प्लास्टिक के बने कोटेड पेपर होते हैं इनका भी हम यूज करते हैं। अगर हमें एडहेसिव सीट बनानी हो तो एडहेसिव सीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वोवन फैब्रिक प्लास्टिक पीवीसी पॉलीएथिलीन पॉलीयुरेथेन का भी यूज करते हैं, लेटेक्स स्ट्रिप का भी, किसमें बनाने में, एडहेसिव सीट्स बनाने में। और जो एडहेसिव सीट्स होती हैं ये मे बी वाटरप्रूफ भी हो सकती हैं और वाटरप्रूफ नहीं भी हो सकती हैं। देखिए जो यहाँ पे जो एग्जांपल शो किया गया है ये एक एडहेसिव सीट का एग्जांपल है, ये जो बनी है इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा पॉलीयुरेथेन का बना हुआ, जो पॉलीथिन ये जो पार्ट है ये हमारा मॉइस्चर वेपर है, ये मॉइस्चर वेपर परमेबल है, वाटरप्रूफ है और पास करता है वायरल पेनिट्रेशन टेस्ट को
इट इज द वेक्ट, और जो ये जो कवर है ये बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है। इसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पॉलीएथिलीन फॉर्म है, और ये हाई एब्जॉर्बेंस है, और फ्लूड रेसिस्टेंस है, और वर्क करता है प्रॉपर कंप्रेसिव की तरह यूज करता है, और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है एंड कंफर्टेबल होता है, और बहुत ही इजी तरीके से इसे अप्लाई भी कर सकते हैं, और बहुत ही इजीली तरीके से इसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे मटेरियल्स जिनको हम यूज करते हैं जब हम सॉफ्ट बैंडेज को प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट बैंडेज, कि सॉफ्ट बैंडेज कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है हमारा ग्लू बैंडेज, नेक्स्ट से हमारा कोलाइडल बैंडेज, नेक्स्ट ट्राइंगुलर बैंडेज, देन स्लिंग बैंडेज, देन रोलर बैंडेज। ये जो टाइप्स होते हैं ये हमारे होते हैं सॉफ्ट बैंडेज के टाइप्स। जितने भी सॉफ्ट बैंडेज होते हैं वो इन्हीं से टाइप्स इन्हीं सारे मटेरियल्स के बने होते हैं, इन्हीं सारे शेप्स के बने होते हैं, और इन्हीं के तरीके से हम इन्हें अप्लाई करते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्लू बैंडेज। ग्लू बैंडेज क्या होता है? द ग्लू बैंडेज आर मेनली अप्लाई टू प्रोटेक्ट द वाउंड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द ड्रेसिंग मटेरियल इज फेस्टेटेड टू द स्किन अराउंड द वाउंड विद ग्लू, अ कोइल, कोलाइडल एंड एडहेसिव प्लास्टर। द एप्लीकेशन ऑफ कोइल बैंडेज इज वेरी सिंपल, सेवरल लेयर ऑफ गाउन इज अप्लाइड ऑन द वाउंड एंड द स्किन अराउंड द वुंड इज सीमियम एंड नैरो बैंड ऑफ क्लोएल स्ट्रेचिंग गाउज नैपकिन इज अप्लाइड ऑन द लेयर ऑफ क्लोएल एंड केप्ट देयर अंटिल द नैपकिन फिल्म एडहेसिव टू द स्किन। ग्लू बैंडेज क्या होते हैं? ग्लू बैंडेज में बहुत सारे इस एम्बेज बैंडेज को जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं, या हम बोल सकते हैं ये जो बैंडेज होते हैं वो ग्लू के बने होते हैं। मतलब जब भी हम इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई कर रहे होते हैं, इसमें कैसे मतलब मोस्टली कैसे ग्लू बैंडेज को हम जैसे जान सकते हैं कि जब भी इसका जो ग्लू बैंड यूज करते हैं, जब भी हमें अपने जो भी हमारी इंजरी होती है, इंजर्ड पार्ट होता है, उसे एक्सटर्नल एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन करने के लिए हम इस ग्लू बैंडेज का यूज करते हैं। इसमें मोस्टली हम कोलाइडल एंड एडहेसिव प्लास्टिक शीट्स का यूज करते हैं। इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं? जब भी हमारा कोई इंजर्ड, जब भी हमें किसी पार्ट में या बॉडी के किसी पार्ट में इंजरी हो जाती है, तो हम वहां पे इसका यूज करते हैं। जैसे ये आपको जैसे इस फिगर में हमें यहाँ पे शो किया गया है, ये जो एग्जांपल है ग्लू बैंडेज के साथ, इसमें जो मिडल पार्ट होता है वहां पे जो हमारा ग्लू मतलब बहुत सारी एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, या फिर एंटीसेप्टिक हम बोल सकते हैं एंटीसेप्टिक ग्लू होते हैं, जिनको हम इसके मिडल पार्ट पे अप्लाई कर देते हैं। जब हम जैसे मान लीजिए इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारी एक स्ट्रिप है, फिर यहाँ पे हमने अपना ग्लू मतलब जो भी एंटीसेप्टिक मटेरियल है उसे अप्लाई कर दिया, ये हमारा, तो क्या करेगा ये जो होगा ये एंटीबैक्टीरियल या एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करेगा। और फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारा ग्लू है या फिर यहाँ पे हमारा एंटीसेप्टिक क्रीम है, फिर हम इसे इस टाइप से अप्लाई करते हैं, तो स्किन पे पता है इसकी बहुत सारी लेयर हो जाती है। जब इसकी लेयर हो जाती है तो हम अपनी बॉडी से या फिर अपने हाथों से इसे लगा रहे होते हैं, तो हम इसे तब तक सही से लगाते हैं जब तक ये हमारी बॉडी पे पूरी तरीके से मतलब स्टिक नहीं हो जाती या फिर चिपक नहीं जाता है। फिर जब हम इसे अप्लाई कर देते हैं तो और फिर क्या करता है, इसे हम छोड़ देते हैं अपने ऐसे ही। ये हमारा वाटरप्रूफ भी हो सकता है, वाटरप्रूफ नहीं भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, ये एक लेयर बना देता है हमारी चोट से, मतलब जो हमारा इंजर्ड पार्ट है वहां पे लेयर बना देता है। लेयर बनाने से क्या होता है कि एक तो ये जो ग्लू होता है इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक एक्टिविटीज होती हैं, तो ये एक प्रॉपर एनवायरमेंट देती हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा इंजर्ड पार्ट होता है वो रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। वही जबकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, देखिए ये एक हमारा एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। ये बैक्टीरियाज पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं कि ये जो बैक्टीरिया है वो किस टाइप के। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे हमने भी बैंडेज अप्लाई किया और यहाँ पे सारे बैक्टीरिया है, लेकिन ये बैंडेज की वजह से ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारे इंजर्ड पार्ट पे जहाँ पे जो हमारी इंजरी हुई है उस पर पहुंच नहीं पाते हैं। जब ये पहुंच नहीं पाते, इनका कॉन्टेक्ट एक दूसरे से खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, हमारा जो भी इंजर्ड पार्ट होता है या हमारी खुद की सेल्फ इम्यूनिटी होती है
वो हमारी चोट को प्रोटेक्शन, जो हमारे जो जो हमारी खुद के सेल्फ इम्यूनिटी के एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपरली तरीके से वर्क करते हैं और हमारे इंजर्ड पार्ट को जल्दी से रिकवर कर देते हैं। ये होता है हमारा ग्लू बैंडेज। नेक्स्ट है हमारा कोलाइडल बैंडेज। कोलाइडल बैंडेज क्या होता है? द ग्लू इज अप्लाइड ऑन अ स्पैचुला ओवर द स्क्रैचिंग फिक्सिंग नैपकिन, द ड्रेसिंग इज रिटेन बाय द स्ट्रिप ऑफ द एडहेसिव प्लास्टर, द एडहेसिव प्लास्टर वाउंड इज अ स्पाइसर टाइप्स ऑफ यूज्ड टू अप्लाई द ओक्लूसिव ऑक्युलेसिव बैंडेज ओवर द वाउंड ऑफ द पेनिट्रेंट द चेस्ट, द वाउंड इज कवर्ड बाय द बैक्टीरियल एडहेसिव प्लास्टर हूज एडहेसिव लेयर कंटेन एंटीसेप्टिक प्लास्टिक आर वेरी फाइन पोर विद द prevent the skin laceration and do not hamper the wound from healing। देखिए कोलाइडल बैंडेज क्या होते हैं? कोलाइडल बैंडेज में जो बेसिक प्रिंसिपल है कोलाइडल बैंडेज ग्लू बैंडेज इनका बेसिक प्रिंसिपल एकदम सेम है, लेकिन इनके सेफ में और इनके वर्किंग प्रोसीजर में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे वहां पे हम क्या करते थे, जो हमारा ग्लू बैंडेज में वहां पे हम बहुत सारी लेयर अपनी स्किन पे प्रोवाइड करते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कोलाइडल बैंडेज में यहाँ ये जो फिगर में आपको एग्जांपल दिखाया गया है ये हमारा कोलाइडल बैंडेज का है। यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल शो किया गया है ये हमारा कोलाइडल बैंडेज का। इसमें क्या होता है, ये भी बैक जो बाहर के एनवायरमेंट होता है उसे प्रोटेक्ट करता है। इसमें बस क्या होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे से छिद होते हैं, मतलब कि पोर्स होते हैं, और इन्हीं पोर्स में क्या होता है हमारा एंटीबैक्टीरियल मेडिशन मेड जो एंटीबैक्टीरियल ग्लू होता है वो फिक्स होता है। और ये क्या होता है, फिर ये क्या करते हैं, जब हम इसे कहीं भी जैसे हमारे यहाँ पे इंजरी हुई, जैसे हमारे बॉडी की यहाँ पे एक पार्ट है यहाँ पे हमें इंजरी हुई है, फिर इस कोलाइडल बैंडेज को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इस शेप में, ये गोला यहाँ पे है और यहाँ पे छोटे इस बैंडेज में बहुत छोटे छोटे से पोर्स है, और पोर्स में क्या होता है उसमें हमारी एंटीबैक्टीरियल, और जैसे इसमें छोटे छोटे से पोर्स है और छोटे से छोटे पोर में क्या होता है एंटीसेप्टिक फील्ड होती है। तो जब एंटीसेप्टिक फील्ड होती है तो वो क्या करती है, जो हमारी इंजर्ड पार्ट होती है, इंजर्ड पार्ट में जो भी इंटर इंजर्ड के लिए रिकवर करने के लिए जो भी एंजाइम्स यूज होते हैं हमारी इम्यूनिटी के, जब ये जो सेल्स यूज होती हैं उनको एक उनकी जो इम्यूनिटी होती है या फिर उनकी जो पावर होती है तो बूस्ट करते हैं। बूस्ट करने से क्या होता है, जो भी इंजर्ड पार्ट होता है वो जल्दी से रिकवर कर जाता है, और जिससे हमारी बहुत जो भी हमारा इंजर्ड पार्ट होता है वो जल्दी से हमारा रिकवर हो जाता है, और वो जो इंजर्ड पार्ट होता है वो जो इंजरी होती है वो हमारे बॉडी में कहीं और नहीं फैलती है, ना ही उसमें कोई और ज्यादा हार्म होता है। तो ये होते हैं हमारे कोलाइडल बैंडेज। नेक्स्ट होता है हमारा नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर बैंडेज। ट्रायंगुलर बैंडेज क्या होता है, ट्रायंगुलर बैंडेज इज मेड अप ऑफ स्क्वायर ऑफ द मटेरियल दैट इज कट ऑन द फोल्डेड डायगोनल, द ट्रायंगुलर बैंडेज आर द फैसेटेड ऑन अ पिन एंड ऑफ द टाइड, द सॉल्वेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर बैंडेज 135x100x100 सेंटीमीटर इन साइज, द प्रोड्यूस ऑफ द कंप्रेस्ड फ्रॉम द मेडिकल वेग आर फर्स्ट एड किट्स आर हैविंग द अपीयरेंस ऑफ द लिटिल ब्रिक 5x3x3 सेंटीमीटर इन साइज, ट्रायंगुलर बैंडेज कैन बी यूज ऑन अ पार्ट ऑफ द बॉडी। ट्रायंगुलर बैंडेज मोस्टली बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट में यूज किए जाते हैं। और ये ट्रायंगुलर बैंडेज कैसे होते हैं हम आपको बताइए, यहाँ पे दिखाते हैं कि ये हमने माना ये स्क्वायर हमने पेपर हमने कोई भी क्लॉथ ले लिया कॉटन का, फिर हमने इसे ट्रायंगुलर शेप में टर्न कर दिया, ये इसको हमने लिया और इसको यहां से बीच में डायगोनली इसे टर्न कर दिया, ये तो हमारी ये शेप आएगी। तो ये जो शेप हमने बनी अब इस शेप को हम कहते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज। देखिए यहां पे ये दिखाई गई, ये एक ट्रायंगुलर, दूसरा ट्रायंगुलर, ये तो ये हमारा ट्रायंगुलर बैंडेज। जब भी हमारी बॉडी के किसी भी लिम्फ में या फिर बोल देते हैं वोन में जब डिलोकेशन हो जाती है, उस डिलोकेशन को कवर करने के लिए हम प्लास्टर यूज करते हैं या फिर गम पट्टी वगैरह यूज करते हैं या फिर रोलर बैंडेज यूज करते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सपोर्ट करने के लिए हम ट्रायंगुलर बैंडेज का यूज करते हैं। और ट्रायंगुलर बैंडेज
बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कवर करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइप के ट्रायंगुलर बैंडेज होते हैं जिनका साइज एकदम फिक्स होता है, उन्हीं साइज फिक्स साइज के बैंडेज का हम मोस्टली यूज करते हैं। जैसे अगर हमें अपने हाथ को हाथ अगर हमें अपने हमारे हमारे अपने हाथ को प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करना हो तो अलग साइज का बैंडेज यूज करते हैं, वही हमारे अगर पैर में प्रोटेक्ट पैर को प्रोटेक्ट करना हो तो अलग टाइप के ट्रायंगुलर बैंडेज का यूज करते हैं। ऐसे सिंपल है, डिफरेंट 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 बॉडी के पार्ट्स के को यूज डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगुलर बैंडेज हम यूज करते हैं। जबकि अगर हमें फर्स्ट एड किट में अगर ट्रायंगुलर बैंडेज यूज करना हो तो उसका जो साइज होता है वो होता है 5x3x3 साइज। ये होते हैं हमारे ट्रायंगुलर बैंडेज। नेक्स्ट है हमारा 4-टैलन स्लिंग बैंडेज। 4-टैलन स्लिंग बैंडेज कैन बी मेड ऑफ द व्हाइट रोलर बैंडेज, अ पीस ऑफ कॉट 7-80 cm इन लेंथ, इट इज स्प्लिट डाउन बोथ एंड्स बट लीविंग द मिडिल पार्ट ऑफ द 15-20 cm इन लेंथ इंटैक्ट, अनस्प्लिट पार्ट ऑफ द बैंडेज इज अप्लाइड अक्रॉस द रिक्रोसाइट पार्ट ऑफ बॉडी, द स्प्लिट एंड ऑफ ईच साइड ऑफ crossed so that the lower band becomes the upper and vice versa. They are tied with the corresponding band from the other side. जैसे फोर टैलेंट स्लिंग बैंड क्या होते हैं, ये देखिए बहुत ज्यादा लंबी से हमने स्ट्रिप ली, ये जो स्ट्रिप होती है ये 5-80 cm की होती है, हमने इसके मिडिल पार्ट में 15-20 cm हमने पार्ट इसको छोड़ा मिडिल में, ये हमारा 15-20 cm पार्ट हुआ हमारा। अब जो रिमेनिंग पार्ट हुआ ये इस साइड का और हमारा इस साइड का, इन दोनों साइड का हमारा पार्ट बचा तो इस साइड को हम बीच से कट कर देते हैं, इसको भी बीच से कट कर देते हैं, इससे भी इस साइड को भी बीच से कट कर देते हैं, तो जो हमारी सेव बन जाती है वो बन जाती है इस टाइप की, ये और ये। अब ये जो हमारी सेव बनी इसको हम कहते हैं 4-टैलन स्लिंग बैंडेज, और इसे जब एक ऐसा पार्ट जहां पे हम अपने रोलर बैंडेज को या फिर पूरी तरीके से स्पाइरल बैंडेज से कवर नहीं कर सकते तो उन बॉडी के पार्ट्स पे हम इस बैंडेज का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि फिगर में आपको शो किया गया है कि इसके जो हमारा लोअर लिम्प है और नोज के मिडिल पार्ट में इंजरी हुई है तो इस पार्ट को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट को कवर करने के लिए हम इस 4-टैलन स्लिंग बैंडेज का यूज करेंगे। ये होते हैं हमारे 4-टैल बैंडेज। नेक्स्ट है हमारा रोलर बैंडेज। रोलर बैंडेज क्या, ये मोस्टली यूज होने वाला बैंडेज है। रोलर बैंडेज इन साइज ऑफ द नैरो 1-5 cm फॉर देयर एप्लीकेशन स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी and to middle size of the body 15-10 cm used on the forearm, leg, neck and head, and widely bandage used up to the 20 cm applied on the chest, abdomen and hips. देखिए जो रोलर बैंडेज होते हैं ये मोस्टली यूज होने वाले बैंडेजेस हैं, इनको इनका यूज हम बहुत ही ज्यादा मतलब डेली लाइफ में जो सबसे ज्यादा मोस्टली यूज किया जाने वाला जो बैंडेज है वो हमारा है रोलर बैंडेज। और जो रोलर बैंडेज होता है वो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग बॉडी के मोस्टली जितने भी बैंडेज होते हैं वो सारे बॉडी के पार्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन इन सबका जो साइज होता है वो एकदम फिक्स होता है। जैसे अगर हमें अपनी बॉडी के बहुत छोटे छोटे पार्ट जैसे अगर हमारी फिंगर्स हुई उस पे अगर रोलर बैंडेज अप्लाई करना है तो ये हमारा मोस्टली 5 cm का होता है। वहीं अगर हमें फोरआर्म्स, लेंग्स, लेग हमारा हुआ, नेक हमारा हुआ, वहां पे अगर रोलर बैंडेज अप्लाई करना है तो उसके साइज होता है हमारा 7-10 cm। वहीं अगर हमें इसे अपने चेस्ट पे अप्लाई करना हो या एब्डोमेन पे अप्लाई करना हो तो वहीं इसका साइज होता है up to 20 cm। ये होते हैं हमारे रोलर बैंडेज। नेक्स्ट है हमारा बैंडेज विद स्पेशल टेप। मतलब ये जो बैंडेज होते हैं कुछ जैसे बहुत सारे बॉडी के पार्ट ऐसे होते हैं कि हमें जहां पे खुद से ही बैंडेज को बनाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ रिक्वायरमेंट। जैसे कि अगर हमें अपने जो हमारा स्टोमच है अगर उसको अगर हमें कवर करना है, मोस्टली वो रोलर बैंडेज या ट्रायंगुलर बैंडेज या फिर स्पाइरल बैंडेज या फिर सर्कुलर बैंडेज से कवर नहीं हो पा रहा होता है तो हम वहां पे एक स्पेशल टाइप के बैंडेज को बनाते हैं, वही एग्जैक्टली उसी टाइम पे बनाते हैं और फिर उसका यूज करते हैं।
जैसे द स्पाइरल बैंडेज विद स्पेशल शेप एंड कट एनी पीस ऑफ द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी. दीज इंक्लूड द बैंडेज फॉर द लोअर एब्डोमन. बैंडेज आर द कट इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट. द बैंडेज आर फिक्स्ड विद द स्ट्रिप हुक्स एंड मोस्ट यूजली द स्ट्रेंथेबल एंथर एब्डोमन वॉल. वही मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे इस टाइप के बैंडेज को हम इंडिविजुअल पर्सन की बॉडी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल पार्ट के अकॉर्डिंग इस टाइप के बैंडेज को हम डिजाइन करते हैं. ये होते हैं हमारे स्पेशल टाइप के बैंडेज. नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ बैंडेज की. एप्लीकेशन ऑफ बैंडेज की एप्लीकेशन की हम कहाँ कहाँ पे बैंडेज का यूज करते हैं. सबसे पहले है टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ बाउंड. मतलब कि जब भी हमारी कोई इंजर्ड पार्ट होती है इंजर्ड पार्ट पे कंटामिनेशन को चेकआउट करने के लिए हम बैंडेज का यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द इंजर्ड पार्ट. कि जो इंजर्ड पार्ट होता है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम इस बैंडेज का यूज करते हैं. एंड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हेमरेज. मतलब कि जब हमारे बॉडी में ब्लड में लॉस हो रहा है तो उस ब्लड के लॉस को कंट्रोल करने के लिए भी हम बैंडेज का यूज करते हैं. टू प्रोवाइड द रेस्ट ऑफ इंजर्ड पार्ट. जो भी हमारे बॉडी के इंजर्ड पार्ट होते हैं उन्हें रेस्ट करने के लिए भी हम इस बैंडेज का यूज करते हैं. यहाँ पे रेस्ट करने से सेंस है कि हम जो भी हमारी बॉडी है इम्यून सिस्टम को है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो जो हमारी जो बॉडी के इंजर्ड पार्ट है उसे जल्दी से रिकवर कर पाए. ये होते हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ बैंडेज. और ये होता है हमारा सॉफ्ट बैंडेज. प्लीज फॉलो ITLS अकेडमी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन. ऑल्सो गेट इट ऑन Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.